कानून की रट लगाने वाले काले कोट वाले वकील साहब का काला कारनामा कैमरे में कैद हो गया। वकीलों का झुंड एक दरोगा पर पिला पड़ा है। ताबड़तोड़ घूसों से वार, वर्दीधारी पुलिस वाले की वकीलों से बचने की सारी कोशिश नाकाम हो गई है। ये तो ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। बाहर दारोगा पिट रहा है, अंदर जिले के पुलिस कप्तान विराजे हैं। वकीलों का झुंड एसपी साहब से भिड़ गया, बहस हुई और एक वकील ने कप्तान साहब का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। आप रिकॉर्डिंग हमारी करेंगे? ज्यादा नहीं, आराम से, ज्यादा नहीं। घर में दारू मिला है, अभी वीडियोग्राफी दिखा देंगे। अरे दारू मिला है, दारू पे दारू हम बंद तो नहीं रहना चाहिए, कोई रैपर तो नहीं पाएगा। वाली बात करते हैं, ये बदतमीजी मोबाइल छीनने वाली, ये चीजें पसंद नहीं है। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे क्या हमारे साथ? ये हंगामा कहीं और नहीं बल्कि जिला जज के चेंबर में हो रहा है। वकील जिला जज के सामने ही पुलिस कप्तान से जा भिड़े, बहस हुई और एक दरोगा को वकीलों ने पीट दिया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कानून का ज्ञान झाड़ने वाले वकील साहब कितने बेअदब हो गए थे। मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग थी तो मैं यहाँ पहले आया था और उसमें लोगों ने हमारे दो सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो अभी सब पूरे मुद्दे पे विचार किया जा रहा है, जो भी संज्ञेय अपराध है उसमें। आपके पीआरओ ने कहा कि उसकी पिटाई की गई है, ऐसी कोई बात? बिल्कुल, मेरे पीआरओ ने कहा है कि उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, थप्पड़ मारे गए और इन सब चीजों पर कार्रवाई होगी। दरअसल सरकारी जमीन पर बने सीतापुर क्लब से अवैध कब्जेदारी हटाने के बाद जमकर हंगामा हो गया। वहाँ से शराब बरामद हुई, जिसके बाद क्लब के अध्यक्ष सचिव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला कचहरी पहुंचा तो वहां पर रार और बढ़ गई। हालांकि बीच बचाव के बाद पुलिस कचहरी से चली गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दारोगा की पिटाई और एसपी से मोबाइल छीनने की कोशिश से पुलिस महकमे में गुस्सा है और कार्रवाई करने की तैयारी।